हाँ भाई, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भैया हर हर महादेव, प्रभु तेरी सदा ही जय हो। हर हर महादेव, प्रभु तेरी सदा ही जय हो। हाँ भाई, सोए नहीं है मेरे मेरे लाल, काहे को टेंशन ले रहे हो? जल्दी से आ जाओ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। भैया हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भाई वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई हर हर महादेव, प्रभु तेरी सदा ही जय हो। प्रभु तेरी सदा ही जय हो। जल्दी से आ जाओ भाई। भाई देखो, थोड़ा भोजन भजन करना पड़ता है। भाई हम भी एक इंसान है, लगातार दो क्लासे हमने ली हैं, बीच में हम जो ब्रेक लेते हैं उसमें देता थोड़ा सा भोजन भजन कर लेते हैं। जल्दी से फटाफट से आ जाइए, गर्दा 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 गर्दे वाला क्लास लेने के लिए सारे लौंडे, एसएससी बैंक और रेलवे का सारा लौंडा जुड़ जाए भाई, जिसका एसएससी बैंक और रेलवे केवल एक ही नाम, धांसु सर। याद रखिए, मेरे मुन्ना भूल ना जाना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। हर हर महादेव, प्रभु तेरी सदा ही जय हो। तेरी जय हो मोहन राम, तेरी जय हो। भाई आवाज क्लियर आ रहा है? जल्दी से फटाफट से आ जाइए, गर्दा 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 गर्दे वाला क्लास लेने के लिए सारे लौंडे जुड़ जाए भाई, हिंदुस्तान के कोने कोने से। भाई थोड़ा सा एनर्जी को रिस्टोर करके आते हैं, थोड़ा भोजन भोजन करके आते हैं मेरे लाल। भाई दो क्लास हमने इससे पहले जीएस और मैथ का लिया, उसके बाद रीजनिंग का क्लास है, तो आपका फर्ज नहीं बनता गुरु जी कुछ भोजन भजन कर लो। हाँ चलो, अब सीधा पढ़ाई पर ध्यान लगाते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। अब आज हम ये टाइप करेंगे भैया, ये टाइप नंबर हमारा 3 था मेरे प्यारे बच्चों, लिख लो भाई टाइप नंबर 3। आज हम ये कंप्लीट करके जाएंगे बेटा, सारे सवाल निपटा के जाएंगे। हाँ कल हमने छोड़ दिया था टाइप नंबर 3 के सारे सवाल, ये कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 3 है। दो टाइप मैंने आपको सिखाए थे, टाइप नंबर 3 ही आता है। हाँ बेटा बहुत बढ़िया। देखो अब इसमें क्या कहता है, सफेद को नीला कहा जाए, नीले को लाल कहा जाए, लाल को पीला, पीले को हरा कहा जाए, मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है। आप कहेंगे सर मनुष्य के खून का रंग लाल होता है, तो लाल को क्या कहा गया, लाल को पीला कहा गया, तो लाल को पीला कहा गया, तो इसका आंसर जो होगा भैया येल्लो, येल्लो येल्लो डर्टी पेलो, येल्लो इसका राइट आंसर है। जय श्री राम, जय महाकाल, गर्दा गर्दा गर्दा। आज बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो भाई जल्दी से, यदि संतरे को सेब कहा जाए, सेब को केला खुमानी कहा जाए, तो भाई यहाँ देखो ये कहते तो हरे रंग का क्या होता है, तो हरे रंग का आप कहेंगे सर मिर्ची होती है, मिर्च हरे रंग की होती है, और मिर्ची को क्या कहा गया है, और मिर्ची को क्या कहा गया है, मिर्ची को केला कहा गया, बनाना, तो मिर्ची को केला कहा जाएगा। केला का मतलब आंसर क्या होगा भैया, बनाना होगा। सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चले। हर हर महादेव, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत शानदार सवाल है भाई, सवाल नंबर 10। यदि कलम को मेज, मेज को पंखा, ये सब कहता है, बस लास्ट में देखो ये कहता है आदमी के बैठने का, आदमी कहाँ पर बैठता है, तो आदमी जो बैठता है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है आदमी सर कुर्सी पे बैठता है, तो कुर्सी को इस कुर्सी का कोड क्या है, कुर्सी को क्या कहा गया, कुर्सी को छत, तो छत का मतलब क्या होता है, रूफ होता है, छत का मतलब क्या होता है, रूफ, रूफ 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 मतलब छत, ये आपका रूफ आएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, रूफ कर लो भैया इसको। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। हर हर महादेव, प्रभु तेरी सदा ही जय हो, तेरी जय हो। हाँ भाई मजा आए तभी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। रूफ इसका ऑप्शन, इसका ये होगा ऑप्शन, इसका होगा डी। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 11। यदि बैट को रॉकेट कहा जाए, बताइए क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है, आप कहेंगे सर क्रिकेट तो बैट के साथ खेला जाता है, तो बैट को क्या कहा गया, रॉकेट, तो गैट को क्या कहा गया, रैकेट, रैकेट, तो इसका आंसर क्या आएगा भैया, रैकेट, रैकेट इसका आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्या आंसर आएगा भैया, रैकेट। सवाल पूछ रहा है क्रिकेट को किसके साथ खेला जाता है, तो क्रिकेट को बैट के साथ, और बैट को क्या कहा जाता है भैया, रैकेट कहा जाता है। तो बहुत प्यारा सवाल आता है भाई परीक्षा के अंदर,
नहीं, रैकेट 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 रैकेट, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा भाई। चलो बेटा बहुत शानदार, सवाल नंबर 12 है, टाइमर को लगा देता हूँ, दबा दब लाइक और शेयर करते जाइए, जय महाकाल बोलते जाइए। ये टाइमर को लगाया, सवाल में कहता है आसमान को तारा कहा जाए, तारे को बादल, बादल को पृथ्वी, पृथ्वी को पेड़, पेड़ को किताब, तो बताइए चिड़िया कहाँ पे बैठती हैं? तो चिड़िया बैठती हैं भाई पेड़ पे, और पेड़ को क्या कहा गया जल्दी से बताइए, चिड़िया बैठती हैं पेड़ और पेड़ को क्या कहा गया है? पेड़ को कहा गया है किताब। हाँ पेड़ को क्या कहा गया? किताब, बुक इसका राइट आंसर आएगा। बताइए जल्दी से व्हाट इज द राइट आंसर। स्टार, पेड़ का तो किताब आएगा ना, बुक होगा भाई। हाँ डाटा इनकम्प्लीट, ये ऑप्शन डी आपका आंसर आएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर आएगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, नन ऑफ दीज आप इसका आंसर लगा सकते हो, ऑप्शन डी है इसका आंसर, नन ऑफ दीज। ओहो रुको 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 रुको, अरे रुकिए 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 रुको रुको, मिस्टेक कर दिया भाई, मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक मिस्टेक। हाँ 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 हाँ, सवाल में कहा है चिड़िया कहाँ पर उड़ती है, चिड़िया कहाँ पे उड़ती है, चिड़िया कहाँ पे उड़ती है भैया, चिड़िया चिड़िया कहाँ पे उड़ती है? आसमान में उड़ती है। इसका चिड़िया कहाँ पे उड़ती है भैया? आसमान में चिड़िया उड़ती है, और आसमान को उसने कहा है तारा, तो तारे का जो है आंसर क्या होगा? तारा। तारे का मतलब आप क्या समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तारे का मतलब आप सब समझ गए, तारे का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों स्टार। इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों स्टार होगा, और स्टार मतलब सी। थोड़ा सवाल को पढ़ें, जल्दबाजी में हमने देख लिया, हमने सोचा चिड़िया कहाँ पर बैठती है, और ये कहता है चिड़िया कहाँ उड़ती है, उड़ने की बात कर रहा, तो उड़ती तो आसमान में है ना। अरे सभी लोग देखा करो यार थोड़ा सा जो है, हाँ वीडियो को लाइक शेयर भैया, आसमान में उड़ती तो आसमान में, हमने सुना हमें लगा बैठती है, हमने समझा बैठती है, चिड़िया कहाँ बैठती है हमने ये देखा। चलो भाई नेक्स्ट सवाल, सवाल आता है यदि कमरे को बेड, बेड को खिड़की, खिड़की को फूल, फूल को कूलर, तो बताइए आदमी कहाँ पर सोता है? मेरे मुन्ना आप कहोगे सर आदमी तो सोता है बेड पे, तो बेड को उसने क्या कहा है? बेड को सर उसने खिड़की कहा है, बोलो आंसर खिड़की होगा कि नहीं? खिड़की खिड़की खिड़की, अरे खिड़की खुली हो या हो बंद, खिड़की खुली हो या हो बंद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खिड़की कहा है, विंडो अंग्रेजी में इसको विंडो कहते हैं, विंडो, ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया, विंडो। अरे मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट ऑप्शन में लिख दो गुरुजी मजा आ रहा है। देखो बहुत प्यारे सवाल होते हैं भाई, देखो टाइमर को लगा देता हूँ, आप लोग बनाइए जल्दी से, मुझे कमेंट ऑप्शन में आंसर सब लोग देंगे। किसी किताब को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्द को, शब्द को उसको खिलाड़ी कहते हैं, तो किताए के लिए जाने के लिए उपयोग करें, तो किताए ये कहा है भाई मामले में जो है। ये कहता है विच इज यूज टू कैरी द बुक, किताब कहां पे रखी जाती हैं? किताब को घड़ी, बैग को, किताब कहां पे, कैरी ऑन द बुक, बुक को कहां पे रखा जाता है भाई, बुक को कहां पे रखा जाता है? बुक को रखा जाता है भाई, ये कहता है बुक को कहाँ पे रखा जाता है? बुक को बैग में रखा जाता है, और बैग को उसने क्या कहा है बेटा जी? बैग को उसने कहा है शब्दकोश,
शब्द कोश उसने बैग को कहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो डिक्शनरी, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे। भाई किताब को कहां कैरी किया जाता है? किताब को बैग में किया जाता है, बैग को उसने शब्द कोश कहा है। ये टाइप नंबर 3 चल रहा है बेटा कोडिंग डिकोडिंग का। सब लोग गर्दा मचाइए गर्दा, आज बड़ा प्यारा रीजनिंग है, आज तो कम से कम परफॉर्म कर दो मेरे लाल। बताओ अगर तकिए को पिल्लो कहें, पिल्लो को चटाई कहें, चटाई को बेडशीट कहें, बेडशीट को कवर कहें, बेडशीट को कवर कहें, तो छत पे क्या बिछाया जाता है? अरे छत पे क्या बिछाया जाता है मेरे लाल, जल्दी से बता, छत पे क्या बिछाया जाता है? गर्दा काट रहे हैं लौंडे, लौंडे गर्दा काट रहे हैं, छत पर क्या बिछाया जाता है मेरे मुन्ना भूलना। ये कोडिंग डिकोडिंग का सबसे मजेदार चैप्टर है, ये कोडिंग डिकोडिंग का सबसे मजेदार चैप्टर है मेरे मुन्ना, भूल ना जाना। आप कहोगे छत पे क्या बिछाया जाता है? भाई पिल्लो बिछाई जाती है, बेडशीट बिछाई जाती है, तकिया, पिल्लो, चटाई। भैया छत पे जो बिछाई जाएगी आपके दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए चटाई, चटाई। मुझको राणा जी माफ करना, मैं तो चटाई लेके आ गई। और चटाई को कहा है बेड सीट, बेड सीट, जो कि ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर, बेड सीट। चटाई को उसने कहा है मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, है ना, बेड सीट कहा है। अगला देखो, यदि संतरे को मक्खन कह रहा है, आहा, वैसे रीजनिंग का मजा अलग है भाई, रीजनिंग में जो मजा है ना हम बता रहे हैं। कह रहा संतरे को मक्खन कह रहा है, मक्खन को कह रहा साबुन, आहा, आनंद ही आनंद है। साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को कह रहा है, शहद को संतरा बना दिया। तो किसका उपयोग कपड़ा धुलने में किया जाता है? जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, ये सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, कपड़ा धुलने में रिन सुप्रीन, किसी सफाई आन, सफेदी की चमका, रिन सुप्रीन, याद रखिए सफेदी की चमका, रिन। धुलने में किसका उपयोग किया जाता है? आप कहोगे सर धुलने में, तो धुलने में तो जबरदस्त तरीके से सर्फ एक्सल का उपयोग करते हैं हम तो। अरे सर्फ एक्सल नहीं रे बाबा, रिन सुप्रीन, ये सफेदी की जो चमकान है ना, ये रिन सुप्रीन है। तो कपड़ा धुलने में आप कहेंगे साबुन का इस्तेमाल, और ये साबुन, कपड़ा धुलने में भैया साबुन का इस्तेमाल किया जाता है, साबुन। साबुन को किसी, साबुन को क्या बोल रहा है वो? स्याही, कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं इंक, तो दे दूं, तो दे दूं, तो दे दूं पहला प्यार बखरूं, है ना स्याही, कागज कलम दवात ले, लिख दूं दिल तेरे नाम। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे मजा कर दिया गुरुजी। यदि बालू को हवा कहे, हवा को पठार कहे, पठार को कुआ कहे, कुआ को द्वीप कहे, द्वीप को कहे भैया आसमान, और औरत पानी भरने कहाँ जाती है? औरत पानी भरने कहाँ जाती है बताइए? हाँ आज दिन भी पानी 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 पानी, दिन भी पानी 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 पानी, और सनबीन। देखो भैया पानी को क्या कहा जा रहा है? पानी, औरत पानी भरने कहाँ जाएगी? भैया औरत जो है पानी भरने कहाँ जाएगी? सभी लौंडे जो गांव के हैं, सब लौंडे जानते हैं सर, कुएं पर जाएगी, कुओं पर जाएगी, कुएं पर। तो कुआ को कहा कहा गया है? कुआ को भैया द्वीप कहा गया है। कुआ को कहा कहा गया भैया? द्वीप, 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 द्वीप मतलब आइलैंड। देखो भैया कुएं पर जाएगी, कुएं को कहा गया द्वीप, द्वीप, द्वीप आंसर होगा। गर्दा 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 गर्दा, दबा के लाइक, दबा के शेयर। भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसकी रीजनिंग सबसे बढ़िया है, मतलब भरने कुएं पर जाएगी, और कुएं का कोड क्या है? कुएं को कहता है द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? द्वीप इसका राइट आंसर होगा। मतलब एक दूसरे से रिलेशन होता है, इसको कहेंगे एक दूसरे से रिलेशन है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर। सवाल नंबर 17, चूड़ी को कैसेट, कैसेट को मेज, चूड़ी को कैसेट, कैसेट को मेज, भेज को खेल, खेल को अलमारी, और टेप रिकॉर्डर क्या चलाया जाता है?
टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर का क्या चलाया जाए? ये कहता है देन विच प्लेड इन द टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर में क्या चलाया जाता है? जो टेप रिकॉर्ड होता है जिसपे रेडियो एफएम सुनते हैं तुम, 94.3 रेडियो एफएम बजाते रहो। हाँ भाई, जय महाकाल, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए भैया। देखो भैया, कहाँ पे चलाया जाता टेप रिकॉर्डर में क्या चलाया जाता? आप कहेंगे सर टेप रिकॉर्डर में चलाया जाता कैसेट। अब तो आती नहीं है कैसेट, हमारा जमाना था जब हम कैसेट देखते थे, कैसेट। और कैसेट को उसने क्या कहा है? कैसेट को उसने कहा है मेज, कैसेट को उसने मेज कहा। टेबल इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा भाई। कैसेट को उसने क्या कहा है मेरे मुन्ना? कैसेट को उसने कहा है मेज। जो टेप रिकॉर्ड होता है उसके अंदर कैसेट चलाई जाती है, और कैसेट को सर उसने इस भाषा में कहा है मेज। मेज आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल नंबर 18 पे चलेंगे। अगर काला का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ नीला, नीले का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ पीला, बोलो तारा रारा, पीले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ भूरा, तो साफ आसमान का अर्थ क्या होगा? अरे साफ आसमान, अब एकदम क्लियर आसमान दिखाई दे, एकदम क्लियर, एकदम झक्कास आसमान आपको दिखाई दे रहा है, तो साफ आसमान का कलर कैसा होता है? आप कहेंगे सफेद, पर सफेद इसका आंसर थोड़ी क्या होगा, ये रीजनिंग है। उसने सफेद को क्या बोला है यहाँ पे? उसने सफेद को बोला है सफेद का अर्थ है ये, तो उसने कहा है सफेद का अर्थ है पीला, येल्लो, येल्लो, येल्लो डटी पर सफेद को उसने बोला पीला, तो सफेद का अर्थ क्या होगा भैया? पीला होगा, पीला। पीला आएगा यार इसका आंसर, तो पीला आएगा भाई। वाइट कैसे कह रहे हो? तब आसमान का रंग कैसा होता, वाइट कैसे आ जाए? नीला, ओहो नानक, हाँ आसमान का रंग, सॉरी 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 सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। हाँ रुक जाओ रुक जाओ, ना 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 ना, आसमान का रंग जो होगा वो नीला, आसमान का रंग जो होगा वो नीला होगा, और नीला आसमान का जो रंग होगा नीला होगा, और नीले को क्या कहा गया है? नीले को कहा गया है सफेद, नीले को क्या कहा गया है? सफेद, क्योंकि आसमान नीला होता है, और इसका आंसर है वाइट। मिस्टेक कर दिए हम जो है, हम उल्टा कर दिए, उल्टा उल्टा। देखो आसमान जो होता है वो नीला होता है, नीला, और नीले को उसने कहा सफेद, तो इसका जो आंसर, आंसर हमने पहले लिख दिया, सफेद था इसका आंसर, वाइट है इसका सफेद आंसर था बच्चे। चलो भाई, वर्षा को पानी, पानी को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आसमान, आसमान को समुंदर, समुंदर को रास्ता, तो हवाई जहाज कहाँ पे उड़ता है मेरे मुन्ना? हवाई जहाज कहाँ पे उड़ता है? आप लोग इसका आंसर देंगे, मैं नहीं बताऊंगा भाई। आज तो रीजनिंग आपके मतलब की है भैया, आज तो लाइक ठोक दो दबा दबा के, आज तो रीजनिंग बहुत प्यारी है भाई। आज की इसी रीजनिंग में मजा नहीं आ रहा होगा, आज बहुत प्यारी रीजनिंग है, आज की सबसे झकास रीजनिंग, एकदम झकास, एकदम झकास गुरुजी, एकदम मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। सब लौंडे आंसर दे रहे होंगे आज की रीजनिंग में, तो आपने फाड़ दिया भैया। हवाई जहाज उड़ता है आसमान में, दोनों जहां में आसमान में, नहीं नहीं आसमान नहीं, आसमान तो है नहीं, बादल, पर आसमान नहीं तो बादल में, हवाई जहाज उड़ता है बादल में, और बादल, बादल मूवी देखी है ना, और बादल को जो है, नहीं ओ मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या कहेंगे? हवाई जहाज बिल्कुल आसमान है क्या ना, हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, और आसमान को उसने क्या कहा है? समुंदर, आसमान को उसने समुंदर कहा, ये ठीक है यार, हमने सही बोला था, आसमान है तो गया ये रहा आसमान, आसमान को उसने समुंदर कहा है, समुंदर क्या ऑप्शन होगा बच्चे? जल्दी से सब लोग कमेंट करें, आसमान को उसने समुंदर कहा है, तो इसका आंसर बी होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
आसमान को उसने समुंदर कहा है बच्चे, भाई मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा अंग्रेजी में भी है ना, हम अंग्रेजी कम आती है तुम्हें पता है इस बात के लिए, हम अंग्रेजी का मास्टर थोड़ी है भाई, अंग्रेजी हमें नहीं आती, हम अंग्रेजी का मास्टर नहीं है, हम अंग्रेजी का नहीं है, हम रीजनिंग का धांसु मास्टर है। देखो अगर पानी को भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को आसमान, आसमान को दीवार, तो बताइए फल किस पर उगता है, कितना प्यारा क्वेश्चन है आपका। मतलब होना चाहिए फल तो गुरुजी पेड़ पे उगता है, तो पेड़ को उसने इस भाषा में क्या कहा है, जो पेड़ को कहा है वही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट ऑप्शन ही आंसर दे। सवाल कहता है फल किस पर उगाया जाता है, मेरे दिमाग में आया सर पेड़, पेड़ पे फल उगता है, पेड़ को उसने इस भाषा में क्या, पेड़ को क्या बोल रहा है, पेड़ को क्या बोल रहा है यहाँ पे, पेड़ को बोल रहा है आसमान, आसमान, पेड़ को आसमान कह रहा है, आसमान का मतलब सिकाई, सिकाई कह रहा है। अब तो यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा हमारा ही जलवा। यदि धूल को हवा, हवा को आग, आग को पानी, पानी को रंग, रंग को वर्षा, वर्षा को, वर्षा को धूल कहते हैं, तो मछली कहाँ पे रहती है, मछली, मछली हवा में रहती है गुरुजी, मछली हवा में, हवा में रहती है मछली, मछली जल की रानी है, अरे जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, बचपन में पढ़ा था ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो पानी को उसने क्या कहा, ये देखो भाई, पानी आज दिल भी पानी, पानी 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 पानी, जाओ सानी 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 सानी, आज आज दिल भी पानी 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 पानी, मजा आ रहा है सीरीज नहीं, हमें भी बड़ा दिल खुश हो रहा है, आज दिल भी पानी 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 को सर उसने कहा रंग, रंग कहा रंग, रंग 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 रंग, कलर कहा है सर उसने कलर, इसका गलत, बिल्कुल सही आंसर कलर है, कलर इसका बहुत प्यारा आंसर है भाई, एंजॉय करके पढ़ो भैया, एंजॉय, एंजॉय करो, एंजॉय करके पढ़ो भैया रीजनिंग को। रेलगाड़ी को बस कह रहा है, बस को ट्रैक्टर कह रहा है, ट्रैक्टर को कार कह रहा है, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल, साइकिल को कह रहा है मोपेड, और खेत जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अब जो गांव का देसी लौंडा वो तो जानता खेत, अब ये जो खेत है, खेत को जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो दिमाग में आएगा बैलगाड़ी भाई, दिमाग में आएगा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर को क्या कहा है उसने मेरे प्यारे बच्चों, बस यही आपका आंसर होगा, ट्रैक्टर को देख लें सभी विद्यार्थी, ट्रैक्टर को उसने क्या कहा है, खेत जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, ट्रैक्टर का कहा जाएगा, ट्रैक्टर को उसने क्या कहा है, जल्दी से, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो राधा रमन, दबा के लाइक दबा के शेयर, दबा के लाइक दबा के शेयर, झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम, दबा के लाइक और शेयर करते जाइए भाई, दबा के भाई, आज तो मजा आ रहा है कि नहीं है सब बताइए गुरुजी, आज तो मजा आ रहा है, हम भी आंसर दे रहे हैं, ट्रैक्टर को कह रहा है कार, तो भैया कार किस किस लौंडे के पास कार है, सब लोग कमेंट करें भाई, बेरोजगार के पास कहां से आएगी, मास्टर जी मजा ले रहे हो का, अरे कार किस किस के पास है, कौन कौन सी कार रखे हो भाई, कार किस किस लौंडे के पास कार है, जल्दी से बताइए। अगला सवाल लेंगे भाई, लीड को छड़ी कहा जाए, छड़ी को निब, निब को सुई, सुई को रस्सी, रस्सी को धागा, कलम के लिए लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कलम किससे लिखी जाती है, कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं, कलम को निब से लिखा जाता है, कलम को लिखा जाता है निब से, स्टिक, निब 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 निब, ये जो पॉइंटर होता है ये, इसको निब बोला जाता है, ये जो पॉइंटर है इसको निब बोला जाता है, निब 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 निब, कलम को निब से लिख रहा है, फाड़ दो चीर दो लिख दो क्रांति, मौज कर दी गुरुजी, मौज जाई मौज जा, मौज कर दी मौज जाई मौज जा,
कलम को निब से लिखा जाता है, निब को क्या कह रहा है, निब को कह रहा है सुई, कागज कलम दवा सुई कह रहा है गुरुजी। सुई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया, निडल कहते हैं, निडल याद रखो। अरे अंग्रेजी भी सीखने को मिल रही है निडल, सुई को अंग्रेजी में कहते हैं निडल, अंग्रेजी में भी कहते हैं निडल है ना, निडल कहते हैं भाई, निडल 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 इसका राइट आंसर होगा। और पीडीएफ के लिए भैया आप लोग धांसू सर मैथ एप्लीकेशन को ऐप को आज ही डाउनलोड करें, यहां से पीडीएफ आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई सवाल नंबर 24, यदि प्रकाश को सुबह, सुबह को अंधेरा, अंधेरे को रात्रि, रात्रि को धूप और संध्या कहते हैं तो हम कब सोते हैं? अरे हम तो गुरुजी दिन में ही सो जाते हैं, हम तो हमारा क्या, हमारा क्या, हम तो दिन में ही, हम कब सोते हैं? हम कहेंगे सर हम तो रात में ही सोते हैं, रात में तो लौंडे नहीं सोते भाई, हमें तो नहीं लगता रात में लौंडा सोता है, नहीं सोता गुरुजी, क्योंकि हमारा लौंडा रात में व्हाट्सएप फेसबुक और हमारा रात में क्या करता है भैया, व्हाट्सएप करता है, फेसबुक करता है, इंस्टाग्राम करता है। लौंडा सोता नहीं है रात में, रात में लौंडा प्यारी प्यारी बातें करता है एकदम जो है कि गुरुजी हमारा वो कीमती समय होता है, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान नहीं कर रहा है लौंडा हमारा। अरे भाई सवाल में देख रात्रि को क्या कह रहा है, रात्रि को इस भाषा में कह रहा है धूप, जादू, सनशाइन, ऑप्शन बी धूप कह रहा है बेटा, धूप, धूप कह रहा है, ये कह रहा है धूप। भाई वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, हर हर महादेव। बताइए सवाल नंबर 25 पे आ गए हैं, गुलाब को कह रहा है पोस्ता, पोस्तों को कुदुम्बी, कुदुम्बी को कलम, कलम को फूलदार पौधा, फूलों का राजा क्या है? अरे फूलों का राजा बताइए भाई, हम नहीं बताएंगे, फूलों का राजा भाई, फूलों का राजा बताइए भैया जल्दी से जल्दी। अरे फूलों का राजा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राजा तो राजा ही होता है, फूलों का राजा है कमल, कागज कलम दवा, कमल फूलों का राजा होता है, कमल को वो क्या कह रहा है, कमल को कह रहा है भैया वो फूलदार, कमल को क्या कह रहा है भैया, कमल को कह रहा है फूलदार, लिखो भैया कमल को उसने कहा है फूलदार, ऑप्शन डी आप आंसर लगा सकते हैं। हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताइए अगला 26वें, चूहे को कुत्ता कह रहा है, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी कह रहा है, तो बताइए पालतू कौन सा है, पालतू कौन सा है? पालतू तो आप सभी कहेंगे सर, पालतू तो सिर्फ एक होता है, वो है कुत्ता, और कुत्ते को इसने क्या कहा है, कुत्ते को तो कुत्ता ही कहा जाता है गुरुजी। जल्दी बताइए कुत्ते को क्या कहा है उसने। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, वीडियो को लाइक शेयर, भाई मजा आ रहा है तो दबा के लाइक शेयर कर दो, 200 लाइक कम से कम मैंने बताया इस क्लास में, अगर 200 लाइक कम रहेंगे तो हम रीजनिंग पढ़ाना बंद कर देंगे एकदम जो है। कुत्ते को कहा कहा गया भाई, पालतू जानवर तो कुत्ता होता है, कुत्ते को नेवला कहा है, कुत्ते को कहा है नेवला, ये नेवाल, नेवाल नेवला होता है, ये नेवला होता है, नेवाल नेवला होता है, नेवला जिसको कहते हैं मंगूस, ये है भाई कुत्ते को नेवला, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया, नेवला कह रहा। हाँ बेटा सवाल नंबर 27, नीले का अर्थ है हरा, हरे का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ है पीला, पीले का काला, काले का कहता है लाल, लाल का कहता है भूरा, दूध का रंग क्या होता है, सब बच्चे जानते हैं दूध का रंग क्या होता है, दूध का रंग क्या होता है, दूध का रंग होता है भैया सफेद, सफेद रंग होता है, और सफेद को उसने इस भाषा में क्या कहा है, दूध का रंग कैसा होता है, 25/25 किया है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार सब लोग मुकेश को भैया कॉन्ग्रेचुलेशन दे दो, 25/25 करके आया है हमारा लौंडा, 25/25 ठोक के आया भाई, जल्दी से जल्दी कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो सब लौंडे, एक बार मुकेश जी को कॉन्ग्रेचुलेशन लिखे भैया, मुकेश लौंडा हमारा लौंडा है भाई, वो कॉन्ग्रेचुलेशन का हकदार है, 25/25 सवाल ठोक के आया है महाकाल के आशीर्वाद से, 30 में से 30 भी सही है भाई। सोनू कुमार को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो भाई, सभी लौंडे, सोनू भी 30 में से 30 ठोक के आया है, बोल बंसी वाले की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल बाबा मोहन राम की जय, बोल खोली धाम की जय, जय बंसी वाले की। सब बंसी वाले का भी नाम ले दिया करो कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ भाई, हम तो देसी मास्टर हैं, देसी देसी ना कहियो रे, अरे इस देसी की फैन तो दुनिया हो रही है ना, देसी देसी बिल्कुल एकदम देसी मास्टर, एकदम देसी, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते रहिए। सफेद को उसने क्या कहा, सफेद को सर उसने कहा पीला, पीला शब्द कहा सफेद को उसने कहा पीला, तो पीले पे टिक लगाना था ना भाई, ओ पीला तो यहाँ है नहीं, हाँ आंसर आएगा पीला आएगा यार, इसने मिस्टेक तो नहीं कर दिया भाई, येलो ही आएगा भाई, येलो आएगा, येलो येलो, ये गलत आंसर है, इसका पीला ही आएगा भाई, सफेद का अर्थ पीला होता, पीला ही आएगा, येलो येलो इसका सही आंसर है, ऑप्शन काट दो, गलत ऑप्शन दे रहा है भाई, येलो ही आएगा, येलो इसका सही आंसर होगा यार, गलत होगा, येलो 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 येलो, हरियाणा से हैं, जय हरियाणा विजय हरियाणा, येलो का सही है। बताओ भाई अगला सवाल, कागज को कह रहा है लकड़ी, लकड़ी को भूसा, भूसे को कह रहा है घास, घास को कह रहा है रबर, रबर को कह रहा है कपड़ा, और कह रहा है फर्नीचर किसमें किससे बना होता है, फर्नीचर बताइए, फर्नीचर किससे बना होता है, जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर दे, गर्दा 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 गर्दा, फर्नीचर किससे बना होता है, फर्नीचर कागज से बनता है, भूसे से बनता है, घास से बनता है, रबर से बनता है, जल्दी से बताइए, बहुत शानदार भैया, सभी लोग जानते हैं फर्नीचर हमेशा लकड़ी से बनता है, लकड़ी, और लकड़ी को उसने क्या कहा है, लकड़ी को उसने भूसा कहा है, भूसा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी कह सकते हो भैया, भूसा, भूसा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, भूसा मास्टर जी इसका सही होगा, बोलो जय श्री राम, प्रभु बंसीवाल की जय, बोल जय बाबा मोहन राम, लकड़ी से बनता है, लकड़ी को उसने कहा है भूसा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 29 पे, अच्छा लग रहा है तो दबा दबा के लाइक और शेयर करते जाइए, लौंडे ठंडे पढ़ रहे हैं, ऐसी रीजनिंग कहीं नहीं मिलेगी जैसी हम पढ़ा रहे हैं ना, देखो बहुत शानदार है, रीजनिंग का टाइप नंबर 3 है, कल हम टाइप नंबर 4 लेके आएंगे, कल जो रीजनिंग का हम करवाएंगे वो करवाएंगे टाइप नंबर 4, याद रहे कल रीजनिंग का टाइप नंबर 4 होगा मेरे प्यारे बच्चों, कल रीजनिंग का क्या होगा बेटा, टाइप नंबर 4 होगा, हाँ ये कह सकता है आदमी को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को औरत कहा जाए, औरत को नौका, नौकर को, रेस्टोरेंट में काम कौन करेगा, पर रेस्टोरेंट में काम गुरुजी हम करेंगे नहीं भैया, तुम काय करोगे, तुम तो इंस्पेक्टर बनोगे, रेस्टोरेंट में तो नौकर काम करता है मेरे लाल, रेस्टोरेंट में नौकर करता है, और नौकर को क्या कह रहा है, असभ्य, नौकर को कह रहा है असभ्य, असभ्य कह रहा है नौकर को, असभ्य, सभ्य का मतलब होता है रोग्यू, रोग्यू कह रहा है भाई, रेस्टोरेंट में काम नौकर करेगा, नौकर को असभ्य कह रहा है, रोग्यू होता है, कमेंट ऑप्शन में आंसर देखते जाइए भैया, सब लोग अपना आंसर चेक करें, कृपा आ रही है कि नहीं आ रही, कृपा आनी शुरू हो गई होगी भैया, अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 30 जल्दी से, सवाल नंबर 30 को लगाइए, कृपा आनी शुरू हो रही है गुरुजी, ऐसे ऐसे आ रही है कृपा, धीरे धीरे से आ रही है थोड़ा सा गुरुजी, यदि किसी भाषा में उंगली को एडी, एडी को पैर, पैर को अंगूठा, अंगूठे को टंगना, हथेली को घुटना, भाषा में अशिक्षित आदमी हस्ताक्षर,
जो अनपढ़ आदमी है अशिक्षित को बोलते हैं अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है अनपढ़ भी बोला जाता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो हस्ताक्षर किससे करेगा? आप कहोगे सर जो हस्ताक्षर होगा, भाई जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो हस्ताक्षर किससे करता है, ये देख रहे हैं ना, अंगूठा, अंगूठे से करेगा हस्ताक्षर, किससे करेगा वो हस्ताक्षर, अंगूठे से करेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो हस्ताक्षर वो हमेशा किससे करेगा बच्चे, अंगूठे से करेगा, लिखो वो हस्ताक्षर अंगूठे से करेगा। अंगूठे को उसने क्या कहा है, अंगूठे को क्या कहा है उसने, अंगूठे को ये कह रहा अंगूठे को टंगना, अरे टंगना कहा जाता है, टंगना टंगना टखना टंगना होता है, टखना होता है, टंगना होता है, ये टखना टखना लिख लो भाई, टखना होता है, टंगना सा बोलते हैं, टंगना बोलते हैं वैसे इसको, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अंकल, टखना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। सवाल नंबर 31 पे, दीवार को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दरवाजा, दरवाजे को फर्श, फर्श को रोशनदान कहते हैं, तो व्यक्ति कहां पे खड़ा होता है? खिड़की को दरवाजा, दरवाजे को फर्श, रोशनदान कहें तो व्यक्ति कहां पे खड़ा होता है, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए, अरे व्यक्ति कहाँ पे खड़ा होता है? भाई सिंपल सी बात है, व्यक्ति तो दरवाजे पे खड़ा होगा यार, व्यक्ति कहाँ पे खड़ा होगा? दरवाजा, दरवाजे पे खड़ा होगा, तो दरवाजे को उसने फर्श कहा है, तो इसका राइट आंसर हमारे अकॉर्डिंग भैया फर्श बनेगा, फर्श इसका राइट आंसर, फ्लोर आपका राइट आंसर आएगा भाई, फ्लोर इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, फ्लोर बहुत, फ्लोर इसका राइट आंसर आएगा। नहीं मिस्टेक है, क्या आंसर लग रहा है? नहीं गलत हो गया भाई, गलत 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 मिस्टेक हो गया है, नो लिख रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही कह रहा है, दरवाजे पर नहीं खड़ा होगा व्यक्ति, खड़ा होगा फर्श पे, व्यक्ति कहाँ पे खड़ा होगा भैया? व्यक्ति खड़ा होगा फर्श पे, और फर्श को उसने क्या कहा है? फर्श को उसने कहा है रूप, 36 का आंसर होगा, फर्श को उसने क्या कहा है? रूप, फर्श को रूप, इसका जो राइट आंसर है भैया वो छत है, छत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये ठीक है। अब ठीक है कमेंट कर दीजिए, ऑप्शन डी आएगा भाई इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, छत को उसने, हाँ व्यक्ति फर्श पे खड़ा होगा, फर्श को हमेशा रूप कहेगा, ये करेक्ट है, ये आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। जय भोले की, जय भोले की, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा रीजनिंग में? हाँ दोसा से हो, राम राम, राम राम भाई, राम राम। खेमराज गुज्जर हो, बहुत बढ़िया खेमराज जी, लठ गाड़ दिया लौंडे ने, रबड़ को बॉक्स, बॉक्स को पेंसिल, शॉर्पनर को बैग, बैग तो बच्चा किससे खेलता है? रबड़ से खेलेगा, बॉक्स से खेलेगा, पेंसिल से खेलेगा, और ये किससे खेलेगा बताओ? बच्चा किससे खेलेगा भैया? जब आप छोटे से थे तो किससे खेलते थे? बच्चा किससे खेलेगा? बच्चा पेंसिल से खेलेगा, बच्चा खेलेगा पेंसिल से, और पेंसिल को क्या कहा गया? शॉर्पनर कहा गया, हमारा तो ये ठीक लग रहा है, आप बताइए शॉर्पनर, ऑप्शन डी आएगा भैया, बच्चा पेंसिल से खेलेगा। धांसु सर का भी परिणाम ले, बच्चा पेंसिल से खेलेगा और पेंसिल को शॉर्पनर कह रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है,
सवाल नंबर 33, घड़ी को टेलीविजन, टेलीविजन को रेडियो, रेडियो को चूहा, चूल्हा चूल्हे को चक्की, चक्की को प्रेस, प्रेस को औरत, सिकाई किस पर करेगी? दिमाग में आ गया चूल्हे पर करेगी। औरत सिकाई किस पे करेगी? चूल्हे पर। पिटाई किस पे करेगी? औरत सिकाई तो चूल्हे से करती है, फिर पिटाई किससे करेगी भाई? तो चूल्हे को उसने क्या कहा है? चूल्हे को उसने चक्की कहा है, चक्की। चूल्हे को उसने क्या? चक्की। और चक्की को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ग्रिंडर। लिख लो, अंग्रेजी भी लिखते जाइए, ग्रिंडर अंग्रेजी का भी वर्ड है। तो चूल्हे को कहा गया, चूल्हे को चक्की कहा जाएगा, क्योंकि चूल्हे को चक्की, और चक्की का मतलब क्या होता है? ग्राइंडर। हाँ, तो आज के लिए बहुत है मेरे प्यारे बच्चों। इसका पीडीएफ हम डाल देंगे, पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम फिर बता रहे हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हमारी एप्लीकेशन पे। पीडीएफ आपको जितने बच्चे चाहते हैं पीडीएफ सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है ये हम अपनी ऐप पे डालते हैं, जिस ऐप का नाम है मेरे प्यारे बच्चों धांसू सर मैथ। जिस एप्लीकेशन का नाम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एप्लीकेशन का नाम सभी बच्चे जानते हैं, जो हमारे चैनल का नाम है धांसू सर मैथ। इस ऐप पे हम ये पीडीएफ डाल देंगे, बिल्कुल आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, सभी बच्चे फ्री डाउनलोड कर सकते हो। जो सॉल्यूशन का पीडीएफ है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे तीन सब्जेक्ट हमने पढ़ाए हैं, हमने मैथ पढ़ाया मेरे प्यारे बच्चों, जीएस जीके हमने पढ़ाया आपको, और उसके बाद रीजनिंग हमने पढ़ाई है, रीजनिंग। और ये क्लासेज हमारी सुबह से शाम तक चलती है, टाइम टेबल है हमारा। सभी बच्चे टाइम टेबल को नोट कर लो भैया, पीडीएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन है, नीचे लाइव लिंक चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, लाइव कमेंट में भी है। ये एप्लीकेशन का नाम है हमारा, यहाँ पे देख लो, ये है धांसू सर मैथ, ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है मेरे प्यारे बच्चों। ये एप्लीकेशन है, इस पे हम पीडीएफ डाल देंगे। यहाँ पे हम जो भी सॉल्यूशन का पीडीएफ हम पढ़ाते हैं वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, चाहे मैथ हम जो क्लास ले रहे हैं, चाहे जीएस जीके का हम क्लास ले रहे हैं, और चाहे हम रीजनिंग का क्लास ले रहे हैं, ये सारा आप लोग यहाँ पे फ्री डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए धांसू सर मैथ। ठीक बात है कि नहीं? प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा, प्ले स्टोर से, फोन में प्ले स्टोर पे डालो धांसू सर मैथ, तुरंत आ जाएगा एप्लीकेशन। और आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर चैनल को कमेंट ऑप्शन में जरूर बता देना बेटा पीडीएफ से। और ये हमारा टाइम टेबल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। 7 बजे जीएसजीके का क्लास, 8 बजे मैथ का, और 9 बजे रीजनिंग का क्लास होता है। तो आज का क्लास कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका बहुत तहे दिल से भैया धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार हमेशा मेरे साथ बना के रखें। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, प्रभु तेरी सदा ही जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर क्लास लेती रही, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलेगी, और हम मैराथन सिर्फ